पंजाब के लुधियाना में 3 दिसंबर से 10 दिसंबर तक 74वीं राष्ट्रीय सीनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता के लिए राजस्थान राज्य की दोनों वर्गों की टीमों के चयन के लिए राष्ट्रीय टीम प्रशिक्षण शिविर डींडवाना के राजकीय बांगड़ महाविद्यालय में चल रहा है। राजस्थान बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष एडवोकेट अजीत सिंह राठौड़ ने कहा कि राजस्थान राज्य की दोनों वर्गों की टीमों के चयन के लिए यह शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें 16 पुरुष और 16 महिला खिलाड़ी प्रदेश के विभिन्न जिलों से भाग लेने डींडवाना आए हैं। इसके बाद चयन समिति कुल 12 12 खिलाड़ियों का चयन करेगी। पिछले साल राजस्थान टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया था और इस बार हम अपनी पोजिशन में सुधार के लिए मैदान में उतरेंगे। आपको सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये राजस्थान बास्केटबॉल का सीनियर वर्ग का यहाँ पे डिडवाना के अंदर कैंप चल रहा है और इसके अंदर महिला पुरुष वर्ग की दोनों टीमें 16 16 खिलाड़ी यहाँ भाग ले रहे हैं और इसमें से बेस्ट टीम का 12 का सिलेक्शन किया जाएगा। हमारा पिछला भी जो टूर्नामेंट था उदयपुर में नेशनल, उसके अंदर राजस्थान टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया था और फोर्थ प्लेस लिया था और फोर्थ प्लेस के अंदर भी बहुत ही कम मार्जिन, मतलब 4-5 पॉइंट से हम यूज किए थे और राजस्थान टीम का प्रदर्शन अच्छा रहा। इस बार भी हम कोशिश कर रहे हैं कि टीम बढ़िया से बढ़िया यहाँ प्रदर्शन कैंप के अंदर अपना प्रतियोगिता के अंदर अपना ये पूरा प्रैक्टिस करें, मेहनत करें और आगे जाके राजस्थान का नाम रोशन करें। और ये टीम अभी बहुत अच्छी टीम है राजस्थान की। वैसे पिछले जो 12 लड़के थे उसमें से 4-5 खिलाड़ी बाहर चले गए नौकरी की वजह से, फिर भी अपनी टीम जो राजस्थान की अभी अच्छी है। और आज एक चीज़ और बता दूंगा आपको कि अभी जो नेशनल गेम्स हुए, उस नेशनल गेम्स में पहली बार राजस्थान ने इतिहास बनाते हुए 3-on-3 के अंदर गोल्ड मेडल लिया।